है एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहे हैं दिन के 11 और मैं नहा कर आ चुकी हूँ, तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे रही हूँ क्योंकि इसके बाद फिर से वापस से उन्हीं सारे कामों में लगना है। तो ये जो टाइम होता है नहाने के बाद, थोड़ा बहुत जो हमें मिलता है उस वक्त, थोड़ा सा अपने आप को अच्छे से रेडी कर लेते हैं क्योंकि फिर पूरे दिन पता नहीं आईना देखने का भी टाइम मिले ना मिले नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सही में काम हमारे ऐसे रहते हैं कि एक बार जो मॉर्निंग में हमने बाल झाड़ा, उसके बाद बाल झाड़ने की भी फुर्सत नहीं होती है। अगर करना है तो जल्दी जल्दी में जुड़ा कर लो, बस हो गया, उसके बाद अपने काम में वापस से लग जाओ। तो ये टाइम बहुत स्पेशल होता है क्योंकि भले ही हम हाउसवाइफ है लेकिन अच्छे से तैयार होना हमारा भी हक है। मतलब हमें भी चाहिए कि अच्छे से रेडी हो सके, काम भले हमारे चलते रहे लेकिन हम भी एकदम स्मार्ट लुक में रहे दिन भर। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है हम महिलाओं जो हम हाउसवाइफ हैं उनके साथ, कि जब घर की जिम्मेदारियां, घर की मुसीबत, घर की परेशानियां अचानक से हमारे सर पर पड़ती है ना, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे ढकेल देते हैं और उन सारे कामों को आगे रख देते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है, हम कहीं ना कहीं पीस के रह जाते हैं और अपनी अहमियत को खो देते हैं। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी ऐसी हो चुकी है। तो मैंने लेकिन एक चीज़ गौर किया है कि जब आप अपने आप को अच्छे से रेडी करके रखते हो ना, तो एक अलग ही आत्मविश्वास अंदर से आता है कि नहीं, हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ मैं कर सकती हूँ, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से हो सकता है। तो ये चीज़ मैंने सीखी है अपने लाइफ में, तो इसीलिए तो सही मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आप को एटलीस्ट अच्छे से, थोड़ा सा, हाँ ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ थोड़े से मेंटेन करके रख सकूँ, थोड़े से अच्छे से रेडी होकर घर में भी रहूँ, चाहे मैं घर का ही काम क्यों ना कर रही हूँ बट हाँ अच्छे से रेडी होके। तो चलिए, मैं रेडी होके आ गई थी नीचे क्योंकि अभी मुझे बनाना है खाना और खाने के लिए घर में वैसा कुछ था नहीं और मुझे अच्छी ताज़ी हरी हरी सब्जियाँ, साग सब्जी खाने का मन कर रहा था। तो मैं आ गई थी बारी में, तो बारी में हमारा हमेशा आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो अभी मैं यहाँ से, मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया पत्ता, चटनी बनाऊंगी और मैं यहाँ तोड़ रही हूँ साग। तो पालक साग है, लाल साग है, भाजी साग है, बहुत सारे साग है, तो सबको मैंने थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया है कि मिक्स करके बनाऊंगी। आप ट्राई करना कभी भी कोई भी साग को, 2-3 साग को आप ले लेना और एक साथ मिक्स करके बनाना, बहुत टेस्टी लगता है। और अगर उड़द की बड़ी है और उसको ऐड कर देना तो और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो चलिए, मैंने साग तोड़ लिया है और अब चलते हैं घर। तो ये देखिए, एक तरफ है धनिया पत्ता और एक तरफ है हरी हरी साग। तो ताज़े साग सब्जियों का ना टेस्ट ही कुछ अलग रहता है। आप मार्केट से भले ही कितना ही खरीद के ले आओ, वो लोग कितना ही बोलते हैं कि फ्रेश रहता है फ्रेश रहता है, बट बता नहीं, दोनों के टेस्ट में ना बहुत अंतर होता है। अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो कभी वैसा ट्राई करना, मुझे तो लगता है पक्का कि बहुत अंतर होता है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं खाना। तो उसके लिए पहले कर लेते हैं तैयारी, क्योंकि तैयारी मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं की थी क्योंकि आज समझ ही भी नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। और दोपहर में कुछ अच्छा भी खाने का मन कर रहा था, कुछ हल्का भी, मतलब ज़्यादा तेल मसाला वाला चीज़ खाने का मन नहीं कर रहा था, बट हाँ टेस्टी लगे वैसा कुछ बनाने का मन कर रहा था। तो इसलिए धनिया पत्ता की चटनी बनाऊंगी, साग बनाऊंगी। सुबह में मैंने कैबेज बनाया था, वो थोड़ा सा है, और दाल भात पापड़, और हाँ शिमला मिर्च है, उसे फ्राई करूँगी। तो कैसे फ्राई करूँगी वो आप लोगों को आगे देखिएगा। तो चलिए फटाफट पहले साग को कट करके धो लेते हैं अच्छे से। तो साग मैंने कट कर लिया था और ये थोड़ी सी धनिया पत्ता मैं लूँगी क्योंकि इतनी की ज़रूरत है नहीं, बाकी को मैं रख देती हूँ फ्रिज में, बाद में कभी फिर काम आ जाएगी। क्योंकि धनिया पत्ता तो ऐसी चीज़ है जो हमेशा यूज आती है, हर सब्ज़ी हर चटनी में बिना धनिया पत्ता का मज़ा ही नहीं आता है। तो चलिए, उसके बाद मैं यहाँ धनिया पत्ता को थोड़ा सा धो लिया है और उसके बाद जो साग मैंने कट करके रखा है उसे भी 2-3 पानी धो लेंगे, क्योंकि साग में ना थोड़ा बहुत, मतलब चाहे घर की हो बाहर की, बाहर तो ज़्यादा ही गंदा रहता है जो बाहर से मार्केट से हम लाते हैं, लेकिन घर की हो कम गंदा रहता है, बट फिर भी 2-3 पानी धो लेना चाहिए क्योंकि नीचे में ना मिट्टी मिट्टी रहती है और थोड़ी सा भी अगर खाने में आ जाए ना तो पूरा साग बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसे अच्छे से 2-3 पानी धो लिया है। पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं, साग को कैसे कट करते हैं क्या करते हैं कुछ भी नहीं आता, अभी भी नहीं बोलूँगी कि पूरा प्रॉपर आता है, बट हाँ थोड़ा बहुत अब आ गया है, सीख ली हूँ, इतना टाइम हो गया है ना। तो आप कोई भी काम अगर कर रहे हो तो हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन करते करते वो चीज़ आपको अच्छे से आ जाता है, चाहे वो घर के काम हो, पढ़ाई लिखाई हो, कुछ भी हो लाइफ में, अगर आप कुछ भी कर रहे हो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, सबके साथ होता है, उसके बाद जब आप वही चीज़ कर रहे हो हमेशा तो वो चीज़ आपको अच्छे से आ ही जानी है। तो सेम मेरे साथ भी हुई है कि मतलब जो मैंने सीखा है वो आफ्टर मैरिज ही मैंने सीखा है, पहले मुझे कुछ नहीं आता था, घर का कोई काम मैं ना के बराबर करती थी,
मुझे इंटरेस्ट नहीं था, वो बोलते ना कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो वो चीज़ करने में आपको ज़्यादा ध्यान जाता है, बट मुझे वैसा कुछ इंटरेस्ट था ही नहीं कि खाना बनाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। जब भी मम्मी कोई काम करने के लिए करती थी, मेरा सरदर्द स्टार्ट हो जाता था कि अभी क्या करूँ कैसे करूँ, क्योंकि बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। तो उस चीज़ का नतीजा, मतलब उस चीज़ का परिणाम मुझे बाद में भुगतना पड़ा, क्योंकि आता तो कुछ नहीं था और ऐसे जगह पड़ गई थी जहाँ मैं अकेली थी और बाकी सब जेंट्स थे, मतलब मेरे पति देवर और ससुर, और मुझे सारा काम करना था। तो कैसे करूँ क्या करूँ बड़ा सोचना होता था। तो बट कोई नहीं, धीरे 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 सब चीज़ सीख गई, तो अभी ये प्रॉपर सब चीज़ आता है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं थोड़ा बहुत नहीं हो पाता अच्छे से, बट फिर भी मैं अभी भी ट्राई करती हूँ कि नहीं, जो थोड़ा बहुत नहीं आता वो भी अच्छे से सीख लूँ। तो चलिए, हो गया था यहाँ सारा चीज़, और एक तरफ मैंने साग बैठा दिया था फटाफट, क्योंकि खाना अभी लाइन बाय लाइन बनाने हैं। भले मैं ज़्यादा हेवी खाना नहीं बना रही हूँ, हल्का ही बना रही हूँ, बट फिर भी दो तीन आइटम बन रहे हैं, तो लाइन बाय लाइन सारे बनाने हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि टाइम हो जाता है, चाहे आप प्रिपरेशन करके रखो ना रखो, खाना बनते बनते टाइम हो जाता है। तो वही मैंने साग फटाफट एक तरफ बैठा दिया था, और दूसरी तरफ मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ धनिया पत्ता की चटनी की। तो टमाटर को मैंने गैस पर पका लिया था, तो फटाफट चलिए इधर धनिया पत्ता की चटनी भी रेडी कर देते हैं। तो चटनी मैंने पीस लिया है, और साग भी देख लेते हैं क्या हालत हो रखी है। तो साग गलने स्टार्ट हो गए हैं, पानी निकलना साग से स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा बहुत पानी अभी भी है। तो वापस से इसे थोड़े से अच्छे से चला के ढक देते हैं, जब तक पानी पूरी तरीके से नहीं सूखता है तब तक इसे हम बंद नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद एक तरफ फटाफट बैठा देते हैं भात, क्योंकि भात मैंने नहीं बनाया था। और अभी क्या है ना, मौसम इधर बिल्कुल चेंज हो गया है, ठंड वापस से आ गई है, तो गर्मा गर्म भात ही अच्छा लगता है। बीच में क्या हो रखा था कि गर्मी हो रही थी, तो भात मैं पहले से बना के रख देती थी, क्योंकि गर्म गर्म भात नहीं खाया जा रहा था, और अभी वापस से वो ठंडी आ गई है, तो फिर गर्मा गर्मा भात भी मैंने बना लिया। तो सारा चीज़ हो गया था, बस मुझे लास्ट में बनाना था शिमला मिर्च को फ्राई करना था। तो उसे फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ चावल पीस लिया है लहसुन मिर्चा के साथ, और उसमें मैं थोड़ा सा बेसन ऐड कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ खाली चावल का बनाओगे ना तो कुछ ज़्यादा ही कुरकुरा हो जाता है, तो मुझे तो वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट किन्हीं किन्हीं को नहीं पसंद आता, इसलिए मैंने थोड़ा सा सॉफ्टनेस के लिए हल्का सा बेसन इसमें मिक्स किया है, और बस थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक, और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और लास्ट में जो हमने शिमला मिर्च गोल गोल या लंबा जैसे भी आपको कट करना है वैसे कट करके मैंने रखा है धो के, और उसे इस पेस्ट में डिप करूँगी और कढ़ाई में डालती जाऊँगी। तो ये रहा शिमला मिर्च, आप शिमला मिर्च फ्राई बोल सकते हो, जैसे बैंगनी फ्राई बोलते हैं वैसे ही शिमला मिर्च फ्राई भी बोल सकते हो। तो थोड़ा सा इसे अच्छे से लाल होने तक फ्राई करना है, तभी ये ज़्यादा टेस्टी लगती है। उसके बाद मैं ये यहाँ थोड़े से बच्चों के लिए जो चावल के पापड़ होते हैं ना वो फ्राई कर दे रही हूँ, बच्चों को काफ़ी पसंद है, मैंने नहीं बनाया है, दी के घर गई थी तो वहाँ से मैंने लाया है, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बच्चों के लिए ये मैंने बना दिया है, कि पता नहीं वो उसे खाए नहीं खाएँ, तो इसलिए मैंने उनके लिए ये बना दिया है। तो चलिए वो रेडी है, यहाँ गर्मा गर्म भात भी रेडी है, और इधर मैं दिखाती हूँ दाल भी बनके मेरा रेडी है, और साथ ही साथ जो मैंने मॉर्निंग में कैबेज बनाया था वो थोड़ा सा था, और इधर ये रहा साग, और इसके नीचे है धनिया पत्ता की चटनी। तो ऑलमोस्ट मेरा खाना डन है आज का, शायद आपको बहुत ज़्यादा सादा सिंपल लगे आज का खाना, बट होता है ना कि रोज़ तेल मसाले खा खा के हम बोर हो जाते हैं, तो कभी कभी सही में मन करता है एकदम सिंपल सा सादा सा खाना बनाया जाए, तो आज वैसे ही सेम बना है। तो खाना तो हो गया था रेडी, उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े उठाने, क्योंकि ये हैं कल वाले कपड़े, कल मैंने जो धोए थे वो आज जाके सूखे, क्योंकि मैंने कहा था ना ये मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं है, और डेली अभी बारिश हो रही है, या तो सुबह में दोपहर में या तो शाम में हो ही जा रही है एक बार बारिश, तो उस वजह से क्या हो रहा है कपड़े नहीं सूख रहे हैं। जैसे मैंने अभी आज कपड़े धोए हैं तो वो मेरे कल जाके सूखने वाले हैं, क्योंकि धूप अच्छे से निकल ही नहीं रही है, उस वजह से कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं। तो कपड़े भी बहुत हो गए थे, क्योंकि अभी मैं क्या क्या कर रही हूँ कि दो दो दिन करके कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि एक एक दिन में कपड़े उतने होते नहीं हैं, और फिर कपड़े लगाओ आप ऑटोमेटिक मशीन में, सर्फ दोस्त तो सारा चीज़ का वेस्ट है, पानी का भी सर्फ का भी। तो दो दो दिन करके मैं अभी कपड़े डाल रही हूँ, तो कपड़े सूख गए थे तो उसे मैंने उठा लिया, तब तक ये भी आ गए थे बच्चों के बुक लेके, युग के बुक लेके, युग नहीं गया था वो नीचे से बस लाने गया था, तो बुक आया है, तो युग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और हम भी अपने समय काफ़ी एक्साइटेड होते थे जब हमारे नए नए बुक आते थे, पढ़ना नहीं पढ़ना वो बात की बात है, लेकिन हाँ नए बुक देख के एक्साइटेड बहुत हो जाते थे। तो सेम बच्चों की भी वही हालत है, पढ़ाई हो ना हो वो तो पता नहीं आगे जाके पता चलेगा, बट बुक देख के काफ़ी एक्साइटेड थे। तो उसके बाद ठीक खाना खाने का टाइम भी हो गया था, तो खाना वाना देने के बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया है, क्योंकि थोड़ा सा मन करता है कि थोड़ा सा शरीर को आराम दे दूँ, उसके बाद फिर क्योंकि काम में लगना है। तो वापस से मैं आ गई थी अपने काम में,
तो अभी शुरू होने वाले हैं शाम के काम, तो काम स्टार्ट करने से पहले जो छोटे छोटे काम रहते हैं एक बार उन पे भी नज़र दौड़ा लेती हूँ, क्या है क्या नहीं है। तो अभी जैसे इस जग में पानी ख़त्म हो गया था तो इसे मुझे भरना है, क्योंकि ख़त्म हो जाने के बाद वैसे ही पड़ा रहता है, कोई भरे नहीं भरे पता नहीं, बट मैं एक बार ध्यान दे के भर देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, दिन भर तो ऐसे प्यास लगती ही है, तो सामने में अगर पानी भरा हुआ जग है तो आराम से वहाँ ले लो, बार बार फिल्टर में आने की ज़रूरत है नहीं। तो मैं यहाँ इस जग में पानी भर के रख देती हूँ, और ये जग बहुत स्पेशल है, ये जग है बम्बू का, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाल ही फिलहाल एक मेला लगा था वहाँ से मैंने इसे लाया है, तो मेरा फेवरेट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसका लुक, और बम्बू का है तो पानी भी इसमें बड़ा अच्छा रहता है। तो चलिए ये तो हो गया, और उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट काम में। वैसे यहाँ का लुक काफ़ी प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब चलते हैं दूसरे काम में। तो अब मैंने कहा था ना कि मौसम यहाँ का बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो आप देख सकते हो स्टार्ट हो गया है बदलना मौसम, मतलब कभी ना कभी पानी दे ही देना है, तो वही सेम चीज़ हो रही है। अभी देखिए मौसम ऐसा हो गया कि अभी शाम के 5 बज रहे हैं, बट ये एकदम 6 बजे वाला आ रहा है, एकदम अंधेरा हो चुका है, तो लाइटें थोड़ी बहुत जला देते हैं। उसके बाद चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बाहर का नज़ारा क्या हो रखा है। एकदम बिल्कुल आसान है कि पानी कुछ देर में हो ही जाएंगे, अभी अंधेरा धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गया है, हवाएं चलनी स्टार्ट हो गई है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ देर में पानी बरसने वाली है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बाहर का नज़ारा। तो ऐसा कुछ अच्छा तो काफ़ी लग रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बादल आप देख सकते हो, एकदम काले काले बादल हैं ऊपर आसमान में, तो पानी तो बिल्कुल होनी ही है। हालत ये हो रखी है ना कि ठंड काफ़ी बढ़ गया है, बीच में जो थोड़ा सा ठंड कम हो गया था, हल्की हल्की गर्मियाँ आ गई थी, तो पतले कंबल से भी काम चल जा रहा था, शॉल स्वेटर तो सब हमने अंदर रख दिया था, बट अभी हालत ये हो चुकी है कि जो हमने धो के सब रखा था सारा हमें निकालना पड़ा, वापस से काम बढ़ गया है। सारे कपड़े को मैंने धो के बड़े अच्छे से डाल दिया था कि अब तो ठंड गई चलो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वापस से ठंड आ गई। तो सही में यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है, तुरंत में बदल जाता है। तो जब इतना अच्छा मौसम हो रखा है तो चाय पीना तो बनता है, तो फटाफट मैंने चाय भी बैठा दिया था हमारे लिए, तो फटाफट चलिए चाय पीते हैं। और इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।